उत्तराखंड के चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक जागरूकता के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। वहीं इसी क्रम में की अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश धर्म सिंह ने कहा, शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य न्याय चला निधन की ओर है, जिससे कि गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्त हो सके। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर में महिला हिंसा, बाल उत्पीड़न अधिनियम, साइबर क्राइम आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में वाद विवाद प्रतियोगिता और भ्रष्टाचार पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर आम जन को जागरूक किया गया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमारा जो मासिक प्लान ऑफ एक्शन होता है माननीय सांसद द्वारा, उसी के अनुपालनार्थ आज हमने जो बहुउद्देशीय शिविर है उसका आयोजन अपने गोपेश्वर शहर में ही आयोजित किया है, जो कि यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। आज यहाँ मुख्य अतिथि हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, और चूँकि आज हमारी गुरु नानक देव जयंती भी थी तो और छुट्टी का दिन था, तो जिसमें हमारे जितने भी न्यायिक अधिकारीगण हैं और जितने भी हमारे विभागाध्यक्ष हैं, बहुत जिले स्तरीय हमारे अधिकारीगण हैं, वो सभी अपना बहुमूल्य समय हमें दे पाए हैं और साथ ही साथ उनके स्टॉल भी यहाँ लगे हैं। तो यहाँ की हमने प्रार्थनाचार्य महोदय से निवेदन किया कि आपके यहाँ पर स्ट्रेंथ जो बच्चों की है वो 550 के लगभग है, तो आपके यदि स्टूडेंट्स के अभिभावक भी यहाँ आ जाएँ तो बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाओं का वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की मात्रा भी बहुत अत्यधिक है और साथ ही साथ उनके अभिभावक भी आए।